नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। डीटीवी भारत लगातार आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स बताते रहा है। हालांकि अब तक संशय बरकरार है, लेकिन अब स्थितियां लगभग स्पष्ट हो गई हैं। पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उस पर बातचीत करेंगे, बताएंगे आपको कि शायद अब बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होगा। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, स्थितियां लगभग स्पष्ट हैं कि लॉकडाउन के बाद भी स्थितियां सही नहीं होंगी और पंचायत चुनाव नहीं हो सकते? बिल्कुल, जिस तरह से सरकार के बस में अब कोरोना को फिलहाल कोरोना उसके बस से बाहर निकल चुकी है, उसी तरह से चुनाव आयोग की जो स्थिति है उसके बस में अब नहीं रहा बिहार में पंचायत चुनाव कराना। अब किसी भी कीमत पर पंचायत चुनाव संभव नहीं है। खबर यह भी है कि इलेक्शन कमीशन में कई कर्मी जो हैं, कई अधिकारी, कई कर्मचारी जो हैं कोरोना से ग्रसित हैं, तो वो खुद अभी इलेक्शन कमीशन परेशान है, वैसे में चुनाव संभव नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा जिलाधिकारी, BDO, CO जो कर्मचारी हैं उनके सहयोग से। पूरी बिहार सरकार, पूरा सरकार और पूरा सिस्टम अभी कोरोना को कंट्रोल करने में लगा हुआ है, वैसे में चुनाव कराना कदापि संभव नहीं है। आप तय मानिए जो 15 तारीख का, जो 15 जून तक लास्ट जो डेट है, उसके बाद ये जितने भी मुखिया हैं, जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनके पावर खत्म हो जाएंगे और फिर सरकार अध्यादेश लाने का मन भी बना लिया है और लाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। उसके बाद BDO के हाथ में ये पूरा पंचायत होगा, मतलब अधिकारियों के हाथ में पंचायत की बागडोर चली जाएगी। अध्यादेश लाने की सरकार की तैयारी अब तेज हो गई है। अच्छा, अध्यादेश ही एकमात्र उपाय है या फिर स्थितियां कुछ दिनों के लिए टाल के 6 महीना 4 महीना के बाद ऐसा कुछ हो कि उस पर कराया जा सकता है, कुछ ऐसा है, या फिर सिर्फ अध्यादेश और उसके बाद फिर कब स्थितियां क्लियर होंगी उसके बाद? नहीं, इस तरह का दरअसल है क्या कि हमारे यहाँ कभी कभी आप देखते होंगे कि अचानक कुछ ऐसी घटना, दुर्घटना, कुछ ऐसी स्थिति राजनीति में पैदा हो जाती है तो जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें टेम्प्रोरी बना दिया जाता है कि आप फिलहाल जब तक कोई नया नहीं आ जाता है आप कार्यभार संभाले रखें, लेकिन वो अपने यहाँ उसका संविधान में प्रावधान है। लेकिन यहाँ पर जो पंचायती राज एक्ट जो 2006 है उसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, तो अब सरकार डायरेक्ट उनको कोई अधिकार नहीं दे सकती कि आप मुखिया जी बने रहिए, कार्यकारी ही बने रहिए, कुछ दिनों तक के लिए बने रहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उसके लिए मात्र अब एक ही उपाय है कि अब उसमें संशोधन किया जाएगा, सरकार उसमें संशोधन करेगी, उस पर अध्यादेश आएगा, उस पर ये प्रावधान डाले जाएंगे कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है इसलिए फिलहाल जो है इस पुरानी जो पंचायत सभा है उसको भंग की जाती है और वहाँ जो विकास के कार्य हैं उसको संचालित करने के लिए BDO साहब या CO साहब या अन्य जो अधिक, हालांकि पंचायत स्तर पर देखा जाए, प्रखंड स्तर पर तो सबसे बड़ी अधिकारी BDO ही होते हैं, तो उनके जिम्मे होता है और फिर तमाम जो पंचायत में जो गतिविधियां हैं, सात निश्चय हो, इंदिरा आवास हो या अन्य जो भी योजनाएं हैं, जी बिल्कुल, वो सात निश्चय योजना के तहत भी कई योजनाएं चलती हैं, तो वो सब कुछ फिर BDO साहब के देखरेख में ही वो संपन्न होगा। पूरा पावर जो पंचायत का होता है वो सभी BDO साहब में समाहित हो जाता है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं है कि 15 मई तक के लिए जो लॉकडाउन लगा है इसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएं और फिर एक महीने में पंचायत चुनाव करा लिए? नहीं, वो भी संभव नहीं है। क्यों नहीं? उसका दरअसल ये है कि अभी तक जो दूसरे स्टेट में इन्होंने कहा है कि हमें EVM मंगाना है, वो EVM भी इनके पास अभी तक नहीं आया है, नंबर एक। नंबर दो, जो कर्मचारी पंचायत चुनाव कराने जाएंगे बूथ लेवल पर उनकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया है जब अभी तक वो भी अभी तक नहीं हुआ, पिछले बार तैयारी हुई थी उसे रोक दिया गया है, तो वो भी संभव नहीं है। साथ ही साथ इसके अलावे अन्य कई तैयारियां होती हैं। DM साहब आज पूरी तरह से, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब के सब कोरोना में एक्टिव हैं और अचानक ऐसा नहीं होगा कि 15 के बाद कोरोना अचानक हवा हो जाएगा, ऐसा कोई संभावना है, दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ये मैं नहीं, तमाम जो विशेषज्ञ हैं उन वो भी कह रहे हैं, पीछे रिसर्चर या फिर जो इस कोरोना को समझ रहे हैं उस पर रिसर्च कर रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि मई तक स्थितियां सामान्य होने के चांसेस हैं, वो भी मई लास्ट तक, तब हो सकता है कि थोड़ा सा इसका रफ्तार कम हो। लेकिन जहां देश में आज की बात कर लें तो 4,12,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, बिहार की भी स्थिति खराब है, लगभग 14,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, तो इसमें अचानक से ये कह दिया जाए या ये समझ लिया जाए कि 15 मई के बाद फिर स्थितियां बिल्कुल सामान्य हो जाएंगी, एकदम से ग्राफ गिर जाएगा और सब कुछ अचानक से खोल दिया जाएगा, ऐसा कुछ तो होगा नहीं? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा जब देश में लॉकडाउन लगा था तब आप देखिए कि लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 तक लॉकडाउन गया और उसके बाद
अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से शुरू की गई थी, यानी कि अब धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा था। तो किसी चीज का एग्जिट प्लान होता है कि मतलब हम इस तरीके से बाहर आएंगे और स्थितियों को नॉर्मल करेंगे, फिलहाल यही होने वाला नहीं। ये आप जो कह रहे हैं एकदम 110% है, सरकार को इसी पॉलिसी पर और इसी नीति पर काम करना होगा। अगर हम लोग मनाते हैं कि जितना जल्दी कोरोना यहाँ से विदा हो जाए, और ये जो अभी जो हालांकि थर्ड लहर के फेज की भी बात की जा रही है कि वो भी आ सकता है, भगवान ना करे ऐसा ना हो और यहीं से सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये ठीक होने के बावजूद भी जो आप बता रहे हैं एग्जिट प्लान होता है, उस प्लान पर सरकार को काम करना होगा, तब भी आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप पूरे मई में ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में ये फर्स्ट प्लान सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह प्लान नहीं बनेगा, उसके लिए 10 दिन के हफ्ता का प्लान बनेगा, तो भी आप नहीं कर सकते। वो 15 जून तक कहाँ संभव है, आप कर नहीं सकते। उसके बाद 15 जून के बाद अब आप क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 15 जून के बाद अमूमन बिहार में मौसम ब्रेक कर जाता है, मानसून की शुरुआत हो जाती है। वैसे में पूरा उत्तर बिहार का जो हमारा इलाका है, कुछ मध्य बिहार का भी इलाका है, वो बाढ़ की चपेट में होता है। तो अब वैसे स्थिति में आप चुनाव नहीं करा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा को हो, या पंचायत हो, वो चुनाव नहीं हो गए तो फिर मतदाता कैसे जाएंगे, और फिर वहां की जिम्मेदारी कौन लेगा कि वो मतदाता क्यों नहीं अपने मतों का प्रयोग कर पाए। वो बाद में कहेंगे कि हमें तो इस तरीके से डाल दिया गया, फोर्सली कराया गया, इस तरीके से कई बातें आ सकती हैं। तो चुनाव आयोग तो कम से कम उस विषय में नहीं जाना चाहेगा, चुनाव आयोग की स्पष्ट यही बात रहती होगी कि नहीं सबको वोट करने का अधिकार मिले और सब अपने मत का प्रयोग करें। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की तो यूं ही कोरोना काल में फजीयत हो रही है, जिस तरह से मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इस पर 302 का मुकदमा होना चाहिए और पूरे देश में इलेक्शन कमीशन की थूथू हो गई, वैसे में बिहार इलेक्शन कमीशन कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेगा, ये आप जान लीजिए। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि अगर 15 जून के बाद जो स्थिति आती है, बरसात का मौसम होता है, ईवीएम कैसे पहुंचेगा, गाड़ियां कैसे पहुंचेंगी, वहां कर्मचारी कैसे पहुंचेंगे, ये तमाम स्थितियां हैं। कोरोना काल है, संक्रमण का दौर है, आप भी कह रहे हैं और हम सबको भी पता है कि अचानक कोरोना गायब नहीं होगा, सब फेज बाई फेज वो आस्ते आस्ते हट जाएगा। तो वैसे स्थिति में यहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो संभव, उसके अलावा जो प्रचार करना होगा, जो खड़े होंगे मुखिया जी वो कैसे करेंगे, उनको तो कम से कम हाँ फिर स्थिति खराब हो जाएंगे, बिल्कुल एक तो नया ये रहेगा कि ईवीएम से चुनाव होने वाला है, तो ये समझिए लोगों को समझाना पड़ेगा कि वो कैसे होगा, क्योंकि 6-6 ईवीएम रहेंगे, उसमें कौन सा क्या है क्या नहीं है, ये एक अलग इसमें पेच रहेगा जो चुनाव आयोग के लिए बड़ी बात होगी कि लोगों को वो कैसे समझा पाते हैं और इतने कम समय में लोगों को कैसे समझा पाएंगे, ये एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि राजेश, एक और महत्वपूर्ण सवाल, और वो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पिछले 21 अप्रैल को राज्य चुनाव आयोग ने एक लेटर जारी किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि 15 दिनों तक के लिए सब कुछ स्थगित किया जाता है। आज वो 15 दिन लगभग समाप्त हो गया है, कोई अपडेट है किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है, क्या समीक्षा बैठक होगी या लॉकडाउन के बाद? नहीं, उसमें है क्या कि अभी राज्य निर्वाचन आयोग की जो बात है, मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे कर्मचारी ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो लेटर में भी, उस प्रेस में भी ये बातें थी कि राज्य चुनाव आयोग या जिला के जो कई अधिकारी हैं, कई कर्मचारी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो 15 दिनों में तो वो सब कुछ नॉर्मल हो नहीं जाएंगे। जो पॉजिटिव हैं उनकी तबीयत खराब होती है, और हम देख रहे हैं कि कोरोना से जो भी ग्रसित हैं उनको ठीक होने में 15 से 20 दिन का समय लग रहा है, शरीर जो है उसमें थोड़ी सी कमजोरी आ जा रही है, फिर उसको ठीक करना, और फिर अचानक से किसी को आप ऐसे काम पे नहीं खोल नहीं, तो फिर उसके बाद अगर मान लिया जाए यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाए, सपोज दैट वो उनके जो 10 या 20 जो कर्मचारी हैं पॉजिटिव हो, निगेटिव हो जाए, भगवान करे जितना जल्दी हो निगेटिव हो जाए, पूरा बिहार, पूरा देश, पूरी दुनिया स्वस्थ हो, हम लोग की तो यही कामना है। लेकिन उसके बाद जो जिला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो 50-100 जो कर्मचारी हैं वो तो चुनाव कराने जाएंगे नहीं, वो यहाँ मॉनिटरिंग करेंगे चुनाव, तो फिर वही डीएम साहब और एसपी साहब और बीडीओ साहब को कराना है, शिक्षक जो हैं कर्मचारी हैं उनको जाना है, तो वो उनका भी स्वस्थ होना बेहद जरूरी है, वो कैसे वहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम समीक्षा करेंगे, तो समीक्षा करेंगे तो ये फिर जिलाधिकारी से बात करेंगे, जब जिलाधिकारियों ने जो रिपोर्ट सौंपी थी उस वक्त का दौर कुछ और था, अभी की स्थिति कुछ और है, अभी के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं। इसके अलावा खुद बिहार सरकार 15 तारीख के आसपास समीक्षा करेगी, 13-14 के आसपास, तो ये पूरी स्थिति देखा जाए तो अभी तक की जो इनपुट है कहीं भी किसी भी दृष्टिकोण से चुनाव कराना संभव नहीं है। तो चुनाव मान के चलिए कि नहीं होगा, लेकिन आगे क्या हो सकता है, कब हो सकता है, अब इसका इंतजार हम सबको करना पड़ेगा। 4 महीने भी नहीं होगा, ये भी आप नोट कर लीजिए, बरसात के मौसम में चुनाव कराना संभव नहीं है। अब जाड़े के मौसम में ही राजनीतिक या सियासी गर्मी तपिश देखने को मिलेगी गांव की, मतलब ठंडी का सीजन होगा लेकिन गर्मी बिल्कुल गांव के सरकार को लेकर बन सकती है, और वो गर्मी तपिश लाएगी, और
हम तो मनाते हैं कि जल्दी से पंचायत चुनाव हो ताकि गांव के विकास की जो बात लोग की बात कर रहे हैं वो हो, क्योंकि एक 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 महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि एक तो अभी जो अधिकारी हैं उन पर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, एक तो कोरोना का वर्कलोड, जिला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है उस पर सुरक्षा का तमाम चीजों की जिम्मेदारी है, और इसमें जो वीडियो के जो वीडियो हैं या तमाम अधिकारी हैं उन पर भी वैक्सीनेशन को लेकर या फिर डॉक्टर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जो भी अधिकारी हैं उन पर बहुत लोड है अभी सभी लोगों पर, इसमें वो गांव के विकास को दे पाएंगे, तरजीह दे पाएंगे? वो अब कदापि संभव नहीं है, भूल जाइए कि गांव का विकास होने जा रहा है, क्योंकि अभी जो स्थिति है सबसे पहली प्राथमिकता सरकार की है कोरोना है, कि यहाँ पे जानो माल की रक्षा की जाए, लोगों को सुरक्षित बचाया जाए, तो वैसे स्थिति में तो आप कल्पना ही मत कीजिए कि अभी कुछ होने जा रहा है। बेहतर विकल्प भी है कि पहले कोरोना को हराएं और उसके बाद दूसरी चीजें। और दूसरी बात है कि ऐसे भी बरसात के मौसम में जो विकास कार्य की जो योजनाएं हैं, विकास कार्य है, वो धीमा पड़ जाता है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने बताया और सबको पता है कि बाढ़ प्रभावित इलाके में आप न मनरेगा का कार्य कर सकते हैं न कोई और कार्य कर सकते हो, ऐसे ही बस उस वक्त राहत और बचाव कार्य चलाए जाते हैं, तो आप ये 4-5 महीना तो ऐसे ही आप रहें। दूसरा, अगर जाड़े के मौसम में भी अचानक घोषणा नहीं हो जाएगा कि, तो जाड़े के मौसम में भी अगर चुनाव होता है तो उस हालात में हालांकि सरकार को चाहिए कि जैसे ही बरसात का मौसम खत्म हो और स्थितियां सब कुछ सामान्य है तो यथाशीघ्र, जैसा कि आपने कहा, गांव के विकास के लिए यथाशीघ्र चुनाव करा लेना चाहिए, लेकिन जो वीडियो साहब हैं या जिला प्रशासन है, गांव का विकास करा देना, क्योंकि आज की तारीख में इतना ज्यादा दबाव है ब्लॉक स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, काम ज्यादा है, तो विकास संभव नहीं है। एक दो योजनाएं भले ही उस पर कुछ काम हो लेकिन प्रॉपर गांव का विकास संभव नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, तो कैसे करा पाएंगे वो, तो सब कुछ बिल्कुल। सरकार को इस पर भी सोचना चाहिए, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, हालांकि सबसे पहली प्राथमिकता जो है वो कोरोना है और कोरोना से निपटना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी खबर यही है कि अब मान के चलिए कि पंचायत चुनाव फिलहाल समय पर नहीं हो पाएगा, सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी भी कर रही है अंदर खाने की, ये खबर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे और मेरे सहयोगी राजेश को दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते आपसे एक अपील कि कोरोना का संकट बढ़ते जा रहा है, इसमें आपको अपना ख्याल रखना है, मास्क का प्रयोग जरूर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कीजिए, और जरूरत नहीं हो तो घरों से बाहर नहीं निकलिए, क्योंकि लॉकडाउन लगा है और आप पर कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार।